हेलो एवरीवन वेलकम टू राम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी द ओनली वे टू इनक्रीज योर एबिलिटी इन मैथमेटिक्स हम लोग यहां पे कॉर्नर ज्योमेट्री एस एल लोनी के बुक को फॉलो कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सेवन ये क्वेश्चन ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सेवन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और आज का वीडियो लॉन्ग रहने वाला है लंबी वीडियो रहने वाली है क्योंकि इन सब क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में और इन क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जो आईआईटी आई जेई के क्वेश्चंस जो होते हैं एडवांस के या फिर मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है या कभी कभी डायरेक्ट एप्लीकेशन इन क्वेश्चनों के द्वारा पूछ लिया जाता है और जो जनरल एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें भी इन क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है तो लंबी वीडियो रहेगी ये मैं पहले आपको बता देता हूं और इन क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे चलते हैं चैप्टर वन कॉर्नेट सेक्शन फॉर्मूला एस एल लोनी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू यहाँ पे ट्वेंटी सेवन होगा राइट दिस इज ट्वेंटी सेवन नॉट ट्वेंटी टू ओके सो द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री यहां पर एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है राइट द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट टू इज डिवाइडेड इन द रेशियो वन इज टू के यहां पर यह वन है राइट वन इज टू के में डिवाइड हो रहा है दिस इज एल इज टू के एल इज टू के में डिवाइड हो रहा है राइट एंड द लाइन ज्वाइनिंग

इनका पॉइंट एंगुलर पॉइंट का कॉर्नेट्स गिवन है डेट इज एक्स वन वाई वन बी का एंगुलर पॉइंट गिवन है कॉर्नेट्स एक्स टू वाई टू एंड सी का है एक्स थ्री वाई थ्री ये हमने एज्यूम कर लिया तीन एंगुलर पॉइंट गिवन है अब कह रहा है कि कोई भी दो फर्स्ट टू फर्स्ट टू का मतलब हम बी सी ले लेते हैं ठीक है और इसको जो है एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है एल इज टू के में सपोज ये डिवीजन वाला पॉइंट हो गया सो सपोज दिस इज डी और ये डिवीजन जो है एल इज टू के रेशियो में है और इसके बाद कह रहा है कि जो डिवीजन पॉइंट आया डी इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट दट इज ए वन से हमने मिला लिया और इस पॉइंट को फिर से डिवाइड कर रहा है एक तीसरा पॉइंट सपोज दिस इज ई और जो ई e डिवाइड कर रहा है डी ए को ये रेशियो है एम सी है दिस इज एम एंड इसके प्लस एल ये के प्लस एल है तो हमें पॉइंट फाइंड करना है ई e का क्या पॉइंट होगा फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ द लेटर पॉइंट ऑफ द सेक्शन तो सिंपल सा यहां पे हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं करना है क्या डिवीजन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला को हमें यूज करना है सो कॉर्नेट ऑफ डी के लिए हम लोग सपोज दिस इज एक्स एंड वाई हम मान लेते हैं सो so, X का कॉर्नेट क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे एल एक्स थ्री प्लस के इंटू एक्स टू डिवाइड बाई एल प्लस के ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट किसका d का और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा k इंटू वाई टू प्लस हेयर के इंटू वाई टू प्लस एल

हमें क्या करना है अल्फा का वैल्यू निकालना है अल्फा इज इक्वल टू एम सीधियर एम इंटू एक्स वन ओके सो एम इंटू एक्स वन सो वी कैन राइट एम इंटू एक्स वन प्लस एम इंटू एक्स वन हो गया अब हमें क्या करना है प्लस यहाँ पे जो रेशियो होगा एन के साथ एक्स आ जाएगा सो so, एन क्या हो जाएगा हमारा के प्लस एल इंटू एक्स और एक्स क्या हो जाएगा एल एक्स थ्री प्लस के एक्स टू डिवाइड बाई एल प्लस के ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को बहुत सारे स्टेप्स इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ जिससे अगर मैं लिखूं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा राइट सो एम एक्स वन इंटू एन एक्स टू डिवाइड बाई एम प्लस एन सो यहाँ पे एम और एन की जगह के प्लस एल है तो एम प्लस के प्लस एल कर लिया एक्स टू प्लस एल एक्स थ्री डिवाइड बाई एम प्लस के प्लस एल ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ई e का सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बीटा करना होगा सपोज बीटा सो वी कैन से हेयर एम वाई वन प्लस के प्लस एल ये हमारा एन का रोल होगा इन टू वाई वाई की वैल्यू के वाई टू प्लस एल वाई थ्री डिवाइड बाई के एल प्लस के एल प्लस के और इसको हमें डिवाइड करना होगा एम प्लस एन डेट इज एम प्लस के प्लस एल सो so, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सो फाइनली वी कैन राइट हेयर बीटा इज इक्वल टू एम वाई वन प्लस के वाई टू प्लस एल वाई थ्री डिवाइड बाय एम प्लस के प्लस एल तो ये हमारा ई e पॉइंट आ गया जिसे हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में क्या था बेसिकली दो पॉइंट का पहले डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला करके डी निकालना था और फिर सेम कॉन्सेप्ट को अपोजिट एंगुलर वर्टी के साथ हमें रिपीट करना था और यही हमारा अल्फा और बीटा निकालना अच्छा क्वेश्चन था ये इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आता है कभी कभी ये टू इज टू थ्री के रेशियो में आया जाता है कभी कभी वन इज टू टू के रेशियो में आया जाता है और एक ये पर्टिकुलर पॉइंट ट्राइंगल का हो जाता है जब हम बाद में डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड के बारे में या फिर सरकम सेंटर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में तो ये सब डिवीजन का फॉर्मूला यूज आता है वहां पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू थ्री एंड थ्री फोर सेटिस्फाई द इक्वेशन मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है कि जो मिडिल पॉइंट होगा टू थ्री एंड थ्री फोर का वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब कि ये अगर हमने मान लिया कि ये पॉइंट है ए और ए का कोऑर्डिनेट टू एंड थ्री एज्यूम कर लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग थ्री एंड फोर एज्यूम कर लेते हैं और कह रहा है मिडिल पॉइंट तो यहाँ पे एक नया सा कॉरोलो निकल के आएगा जब भी मिडिल पॉइंट होता है इसका मतलब है कि अगर ये एम मिडिल पॉइंट है तो एम जो है ए बी सेगमेंट को वन इज टू वन रेशियो में डिवाइड करें तो जैसे ही वन इज टू वन रेशियो में डिवाइड करेगा एन बराबर एन हो जाएगा तो हमारा मिडिल पॉइंट एक्स वाई अगर हम लोग मान लेते हैं सो so एक्स आ जाएगा क्या हमारा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय वन प्लस वन टू एंड वाई आ जाएगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू तो पहले तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी सो एक्स इज टू प्लस थ्री डिवाइड बाई टू एंड वाई इज 3 प्लस 4 divided by 2 सो so, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा 5 by टू एंड सेवन बाई टू ये पॉइंट जो आया हमें इस पॉइंट को जो इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इसमें हमें पुट करके देखना होगा कि ये एल एच एस और आर एच एस बराबर होता है या नहीं सो एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन बाई टू प्लस वन ये हमारा एल एच एस हो गया एल एच एस सो एल एच एस इज इक्वल टू एल सी एम अगर हम लोग ले, टू लेंगे सो दिस इज टू फाइव माइनस सेवन प्लस ये हो जाएगा दो को एक से डिवाइड करेंगे तो दो दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो ये हमारा दो हो जाएगा तो पाँच दो तो सात में से सात जाएगा जीरो सो एल एच एस इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज इक्वल टू आर एच एस तो जैसे ही पॉइंट हमने डाला एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे हो गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो मिडिल पॉइंट है इस दोनों पॉइंट लाइन के लाइन uh, सेगमेंट का वो x माइनस वन प्लस वन को सेटिस्फाई करेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये इस क्वेश्चन को आप इस तरह क्वेश्चन अभी और आएंगे आगे आप देखते रहें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ ज्यादा ही लेंदी क्वेश्चन है बट इसको ध्यान से हमें देखना है और इसमें कुछ एज्यूम भी करना है क्या रहा है इफ जी बी सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ओ बी एनी पॉइंट अदर ओ बी एनी अदर पॉइंट ओ क्या है कोई दूसरा पॉइंट है सो प्रूव डैट थ्री इंटू जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्तर प्लस जी सी एक्वाइर ओके इज्लम एंड दूसरा कंडीशन प्रूफ करना इसमें प्लस जी बी स्क्तर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस थ्री जी ओ का स्क्वायर सो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी का एक ट्राइंगल बना लेते सपोज सपोज दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस पॉइंट दिस एंगुलर पॉइंट इज सी अब यहाँ पे हम ए बी सी का कॉर्नेट में ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे अपने मन से सो एक्स वन वाई वन सपोज ए का कॉर्नेट है बी का कॉर्नेट है एक्स टू वाई टू एंड सी का कॉर्नेट है एक्स थ्री वाई थ्री और कह रहा है जी बी देंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल जी क्या है हमारा सेंट्रोइड है तो जी हमारा यहाँ पे कोई सेंट्रोइड होगा सपोज दिस इज जी तो सेंट्रोइड क्या होता है ट्राइंगल का इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन uh, करेंगे और वहाँ पे बताएंगे सेंट्रोइड जो होता है जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाय थ्री और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड थ्री ये जी का कॉर्नेट हो जाएगा ओके सो सपोज यहां पे हम ये मान लेते हैं कि जो सेंट्रॉइड है एज्यूम कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है सपोज मान लेते हैं सो वी कैन से डैट द कॉर्नेट ऑफ सेंट्रॉयड इज ओरिजिन सो जीरो जीरो सो फ्रॉम हेयर वी कैन से डेट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो सो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो हैंस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर चूंकि हमें प्रूफ करना है तो इसलिए हम जीरो जीरो मान लीजिए जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए ईजी हो जाए सो वी हैव टू फाइंड जी ए स्क्वायर जी बी स्क्वायर जी सी स्क्वायर चूंकि हमने जी का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो मान लिया है तो वी कैन ईजिली फाइंड जी ए स्क्वायर इज नथिंग दैट इज एक्स वन स्क्वायर एक्स वन माइनस जीरो का स्क्वायर तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओके जी ए का स्क्वायर हो जाएगा जी बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा जी बी का स्क्वायर इज एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास जी का स्क्वायर हो जाएगा दिस इज एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर और हमें एल में क्या है थ्राइस ऑफ जी स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जी जी सी स्क्वायर सो हमारे पास थ्री इन टू का पार्ट मैं लिख रहा हूँ जी ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसको जब हम कैल कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर सो दिस इज थ्राइस ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर राइट प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर ये हमारा एल वाला पार्ट हो गया ये वाला इसे अभी हम लोग प्रूफ करें अब कह रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सो वी हैव टू फाइंड हियर बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर इज एक्स टू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर सी हेयर बी सी स्क्वायर के बाद हमें क्या निकालना है सी ए स्क्वायर सो सी ए स्क्वायर इज एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का स्क्वायर ओके और सी ए के बाद हमारे पास क्या है बी सी सी ए और ए बी स्क्वायर सो वी कैन राइट हियर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर राइट तो ये हमारा आ गया बी सी स्क्वायर जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो so जब इसे हम सॉल्व करेंगे मतलब बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है ये ए वन माइ माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा सो वी कैन राइट हियर एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर माइनस टू एक्स टू एक्स थ्री प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री एस्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई टू इंटू वाई थ्री सिमिलरली यही हो जाएगा एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स थ्री प्लस वाई थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई थ्री इंटू वाई वन एंड लास्ट हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई वन इंटू वाई टू ये टोटल सम आ जाएगा हमारा राइट अब इसे हमें क्या करना है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक्स टू स्क्वायर है तो एक्स टू स्क्वायर कितने बार आ रहा है एक्स टू स्क्वायर दो बार आ रहा है एक्स तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग लिख लेंगे ठीक है सो वी कैन राइट हेयर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर राइट प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर इसको अरेंज करके लिख लिया और माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वन x2 right plus x2 x3 x2 x3 plus x3 x1 ये सर्कुलर टाइप में आ जाएगा x3 x1 ओके okay? प्लस y1 y2 प्लस y2 y3 प्लस y3 y1 ये चीज आ गया हमारा ठीक है इसको ऐड करने के बाद बट हमारे पास क्या है हमने यहां पे अब हमें जो प्रूफ करना है तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे हमने माना था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो राइट सो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू जीरो है तो इस चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री का होल स्क्वायर ये भी जीरो होगा सो दिस इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स टू एक्स थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स थ्री एक्स वन सो दिस इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से देखिए दिस पार्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ या मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा माइनस एक्स तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स टू एक्स थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स थ्री एक्स वन

प्लस ट्वाइस ऑफ वाई थ्री इंटू वाई वन सो दिसनस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चल रहा है इसमें तो ये वैल्यू आ गया जब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे ध्यान से देखिए सो so, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाले पार्ट के लिए माइनस ट्वाइस ऑफ एक बार ये घट जाएगा और इस वाले पार्ट के लिए एक बार हमारा वाई वन स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे घटाने के बाद अगर हम लोग डालेंगे सो वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहां पे टू एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री था और इसमें से एक चला जाएगा ये वाला तो हमारा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर आ जाएगा सो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली वाई वाले वेली यही आ जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर ये हो गया हमारा ठीक है और हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पे हमें प्रूफ करना था थ्राइस ऑफ बी सी स्क्वायर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थ्राइस ऑफ बी सी स्क्वायर ये आ गया थ्री इंटू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर सो दिस इज बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर राइट तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा हमें सो so, यहाँ पे हम सही से सॉल्व करेंगे तो ये थ्री जी ए स्क्वायर प्लस थ्री जी बी स्क्वायर प्लस थ्री जी सी स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा प्रूफ हो गया नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओ ए स्क्वायर तो ओ ए स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओ एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका अल्फाबीटा है ठीक है सो ओ ए स्क्वायर कैन बी रिटन एट सी हेयर ओ ए स्क्वायर दिस इज अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस जीरो का स्क्वायर सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओ ए स्क्वायर करना है यहाँ पे हमें सो ओ ए स्क्वायर इरेज कर लेते हैं इसको ओ ए स्क्वायर इज नथिंग डेट इज अल्फा माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई वन का स्क्वायर ये ओ ए स्क्वायर हो गया ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा दिस इज अल्फा माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई टू का स्क्वायर एंड ओ सी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा दिस इज अल्फा माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई थ्री का स्क्वायर ओके एंड हमारे पास ओ जी भी यहां पे निकाल सकते हैं सो दिस इज क्योंकि हमने जी कोऑर्डिनेट जीरो जीरो लिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओके ये हो गया हमारा ओ जी का स्क्वायर अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ जी स्क्वायर को ऐड करना है जी ए स्क्वायर जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर हमारा आ चुका है सो जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर ये हमारा आ चुका है ट्वाइस ऑफ क्या आया था यहाँ पे? देखिए ट्वाइस ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर इज ट्वाइस ट वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर नहीं ये थ्री तो इसमें था तो दिस इज एक्स वन स्क्वायर ये हमारा आया था एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर ये हमारा आया था जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर ये वाला पार्ट और थ्री जी ओ का स्क्वायर हो जाएगा तो थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री बीटा स्क्वायर सिमिलरली हमें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर को ऐड करना होगा सो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वन स्क्वायर ओके माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स वन सी हेयर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस प्लस है माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा वाई वन स्क्वायर और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा एक्स टू राइट प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा वाई टू स्क्वायर और इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स थ्री राइट प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई टू स् वाई थ्री स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा वाई थ्री स्क्वायर अब यहां पे देखिए इसको हमें ऐड करना है चूंकि ऐड करना है तो ये हो जाएगा थ्री अल्फा स्क्वायर सी है थ्री अल्फा स्क्वायर और ये ऐड करेंगे ये वाला पार्ट तो प्लस थ्री बीटा स्क्वायर ओके और ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री स्क्वायर कर लिया यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया और वाई वन स्क्वायर देखिए ध्यान से वाई वन स्क्वायर प्लस वाई थ्री वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर ये भी हमारा होगा अब इसमें माइनस वाले में माइनस टू अल्फा कर लेते हैं और कॉमन क्या जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री राइट और माइनस टू बीटा कर लेते हैं यहाँ वाई वाई वन होगा स्क्वायर नहीं होगा इसको हटाइए यहाँ पे सो टू माइनस टू इंटू बीटा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अब यहां पर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या था जीरो था तो ये जीरो हो Y1 plus Y2 plus भी जीरो हो तो ये पार्ट जीरो हो गया। तो आपका क्या आ गया हमारा दिस वन थ्री अल्फाइक् थ्री अल्फा स्क्स थ्री बीटा स्क्वायर और ये वाला पार्ट मतलब दिस इज इक्वल टू जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो हमारा प्रूफ हो गया राइट तो इस तरह से आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में चूंकि ये लेंदी क्वेश्चन है और एल्जेबरा आपको ध्यान से रखना होगा प्लस माइनस का साइन भी ध्यान से रखना होगा अपने दिमाग में और इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है क्लियर हो जाएगा अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना है नहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हियर प्रूव डैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द लाइन

y2 x3 y3 एंड d का x4 y4 हमने ये ले लिया अब कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट साइड ए बी का अपोजिट साइड डी सी होगा तो अगर मिडिल पॉइंट अगर हम लें सपोज ए का मिडिल ई हो जाता है ए बी का मिडिल पॉइंट सो दिस इज एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू Y1 plus Y2 by 2. ये हमारा middle point हो गया AB का और dc का मिडिल पॉइंट हो जाएगा ठीक है <coughs> ये मिडिल पॉइंट हो गया हम तो कह रहा है इस लाइन को हमें ज्वाइन करते हैं हमने कर दिया इस लाइन को ज्वाइन एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिडिलइनल अच्छा मिडिल पॉइंट इसका भी हम ये ई e हो गया मान लेते हैं ये एफ हो गया इसका हम जी ले लेते हैं और इसका हम एच ले लेते हैं सो दिस इज एच सो जी का कोऑर्डिनेट यहां पे लिख लेते हैं स्पेस का में सो जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई फोर डिवाइड बाई टू जी का और मिडिल पॉइंट है तो एच का कॉर्डनेट क्या हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू ये मिडिल पॉइंट हो गया अब इस दोनों क्या कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट साइड ऑफ क्वाडरलेटरल एंड द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट साइड ऑफ द क्वाडरलेटरल एंड द लाइन ज्वाइनिंग मिडिल पॉइंट इट्स डायगोनल अब जो डायगोनल है इसका मिडिल पॉइंट देखना होगा हमें so, सो जी एच का लाइन ये हो गया अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि G F का मिडिल पॉइंट ये G F का मिडिल पॉइंट, सो G F का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं M, M है, सो so, M इज मिडिल पॉइंट हो जाएगा x1 plus x2 देखिए ध्यान से x1 plus x2 divide by 2 plus x3 plus x4 divide by 2 x coordinate है डिवाइड by 2 ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा M का y के लिए हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर डिवाइड बाई टू इसका डिवाइड तो ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड सो वी कैन से डैट एम का कॉर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई दिस इज टू इंटू टू फोर हो जाएगा और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर डिवाइड बाई फोर ठीक है तो ये M का मिडिल पॉइंट हुआ सिमिलरली हमें G और H का मिडिल पॉइंट निकालना है ठीक है तो G और H का मिडिल पॉइंट जो होगा सपोज दिस वन इज दिस पॉइंट ये पॉइंट हो गया ठीक है तो ये पॉइंट G H का हमने क्या निकालना एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई टू सो सेम पॉइंट ये एम और एन बेसिकली क्या होगा सेम पॉइंट होगा आप निकाल कर देखिए एन का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास हम लोग मिडिल जी एच का मिडिल पॉइंट निकालेंगे जी का है एक्स वन एक्स फोर डिवाइड बाई टू और एक्स टू एक्स थ्री तो ये सेम चीज हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई फोर ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर डिवाइड बाई वाई फोर डिवाइड बाई और ये हो जाएगा पॉइंट तो m और n सेम पॉइंट हो रहा है ठीक है अब कह रहा है कि जो मिडिल पॉइंट है डायगोनल का तो सिमिलरली da का मिडिल पॉइंट निकालना है tb का डायगोनल का मिडिल पॉइंट निकालना है और ad का मिडिल पॉइंट निकालना है राइट right? ad का मिडिल पॉइंट निकालना है। जब आप ये मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि ये मिडिल पॉइंट सेम ही हो रहा है सो so, जो पॉइंट होगा वो पॉइंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को आधा आधा भाग में कट करेगा तो इस चीज़ को आप निकाल के देखिए ए सी का मिडिल पॉइंट क्या होता है और डी बी का मिडिल पॉइंट क्या होता है तो आप देखेंगे कि सेम आता है तो यहाँ से आपका ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है पॉइंट अलग अलग लेना है बट ये पॉइंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा जब आप देखेंगे एनालिटिकल कैलकुलेशन uh, करेंगे तो ये थोड़ा सा पॉइंट सेम हो जाएगा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है सो so, अब हमारे पास कितने क्वेश्चन रह गए एक क्वेश्चन ये रह गया दिस इज सेंटर ऑफ मीन पोजिशन ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन दो क्वेश्चन रह गया सो so, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदे सेंटर ऑफ मीन पोजिशन यहाँ पे निकालना है और ये थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप का क्वेश्चन है ठीक है पैराबोलिक पैरामीटर वाला क्वेश्चन है तो इन दो क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं चूंकि हम लोग ऐसा लोनी का बुक फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें लेंदी क्वेश्चन क्वेश्चन होता है बट कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा होता है इसी पे बेस्ड जितने भी कॉम्पिटेटिव uh, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे जय हिंद